Hello everyone, welcome again. In this chapter 1, nutrition in plant, nutrition autotrophs and heterotrophs. In our previous video, we have studied about mode of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Now, next video, we have studied about photosynthesis, and in this video, we will study about other mode of nutrition in plants. So, let's we start. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? देखिए इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि जो प्लांट्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. लास्ट वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में स्टडी किया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको फूड प्रिपेयर करने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, नीड होती है. बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है, तो वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं फिर, और वो अपने न्यूट्रिशन को कैसे ड्राइव करते हैं. तो जब उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है तो सिंपल है, उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा और वो अपने फूड को सिंथेसिसाइज नहीं कर पाते. बट नाउ क्वेश्चन इज हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन. क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ड्राइव करते हैं. लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स. जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, इसी तरह हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं? हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स होते हैं अपने फूड के लिए. इसी तरह से कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो भी अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. दे यूज टू हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ये प्लांट्स कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं. क्लियर? मीन्स जैसे हम लोग और एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए, उसी तरह से कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो अदर प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स. क्लियर? इन द फिगर में आपको शो किया गया है, यू सी अ येलो वायरी ब्रांचेस्ड स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा. ये आपको एक जो स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए एक प्लांट है, उसके चारों तरफ एक वायरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का. तो ये जो येलो कलर का प्लांट है, इसने ये इसकी ब्रांच को पूरा ट्विंग कर रखा है, इसको पूरा लपेट रखा है. इस प्लांट्स का नाम है कसकटा, हिंदी में इसको कहते हैं हम अमर बेल. तो ये जो प्लांट होता है ये आप कैसे कलर में? येलो कलर में है, ग्रीन कलर में नहीं है. तो सिंपल है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. तो ये क्या करता है, एक रेडीमेड फूड को ही प्लांट से लेता है. मतलब वो जो प्लांट जिस प्लांट पर ये क्लाइंब कर रहा है, वो प्लांट कैसा है? ग्रीन कलर में है. वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो भी फूड प्रिपेयर करता है, उस रेडीमेड फूड को, मतलब प्रिपेयर किए गए फूड को, ये उस प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे ड्राइव कर लेता है सारा न्यूट्रिशन. क्लियर? तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं होस्ट. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड द होस्ट. तो जिस प्लांट्स के ऊपर ये क्लाइंब्ड करा हुआ है, उसको हम बोलते हैं होस्ट. लाइक जैसे होस्ट मीन्स क्या होता है, जैसे आपके घर में पार्टी है, आपने कोई पार्टी थ्रो करी और बाकी के सब लोग आते हैं जिनको भी आप इनवाइट करते हो, वो सब डिपेंडेंट होते हैं आपके ऊपर, डिपेंडेंट होते हैं ना उस टाइम के फूड के लिए, अपना मील के लिए. तो इस तरीके से जो आप क्या कहलाओगे वहाँ पे? होस्ट कहलाओगे. यहाँ पर ये जो प्लांट है जिसके ऊपर ये क्लाइंबिंग कर रहा है ये कसकटा, तो जो सेकंड प्लांट है वो क्या हो गया? उसका होस्ट हो गया, क्योंकि वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. क्लियर? तो सिंस इट ड्राइव्स द होस्ट फॉर ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन. तो ये क्या करता है, उस प्लांट से उसके जितने भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ड्राइव कर लेता है. कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. जो कसकटा होता है इसको हम पैरासाइट बोलते हैं. पैरासाइट क्या होते हैं? जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, या जो अपने फूड को या अपने न्यूट्रिशन को दूसरे प्लांट से या दूसरे एनिमल से एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को हम पैरासाइट कहते हैं. तो यहाँ पे जो कसकटा है वो एक पैरासाइट है, क्योंकि वो अदर प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपने होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है. क्लियर? आरवी एंड अदर एनिमल्स आल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट. क्या हम और अदर एनिमल्स भी काइंड हैं पैरासाइट के? तो ये क्वेश्चंस आपको थिंक करना है और डिस्कस करना है, और उसके बाद आपको इसका आंसर दिया जाएगा. ओके? फर्स्टली आप इसको सोचिए और खुद से इसको सॉल्व करने की ट्राई करना है.
पहले वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटो बैड बग्स लीस एंड लीचेस डैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट. ये जो पहेली है ये जानना चाहती है कि ये मॉस्किटो हैं और बैड बग्स हैं ये सभी हमारे ब्लड को सक करते हैं तो ये भी एक काइंड ऑफ पैरासाइट है. येस इट इज़ ये दे दीज ऑल आर नोन एज पैरासाइट क्योंकि ये हमारे अपने फूड इनका फूड क्या है ब्लड है और ये ब्लड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है ह्यूमन बॉडी या अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो ये भी एक काइंड ऑफ पैरासाइट्स हैं. क्लियर. हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट डैट कैन ईट एनिमल्स. क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खाते हैं. देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम. यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं मीन्स उनको फंसाते हैं और फिर उसके बाद में उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं. तो सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर्स. और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ये ग्रीन कलर में भी होते हैं और कुछ अदर कलर्स में भी पाए जाते हैं. लुक एट द प्लांट इन द फिगर. फिगर में इस प्लांट्स को शो किया गया है. इसको देखिए आप यहाँ पर एक पिक्चर और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ. ये जो आपको पिक्चर और एक जग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट है. और यहाँ पर क्या होता है द एपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम अ लिड विच कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. यहाँ पर एक लीफ है जो एक लिड की तरह एक ढक्कन की तरह वर्क करता है. ये पिक्चर के माउथ को ओपन और क्लोज करने का काम करता है. इन साइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. तो यहाँ पर अंदर की तरफ क्या होते हैं काफ़ी सारे हेयर्स होते हैं. वैन इंसेक्ट्स लैड इन द पिक्चर. जब एक इंसेक्ट पिक्चर के अंदर जाता है जो लिड होती है जो ढक्कन होता है वो क्लोज हो जाता है. एंड ट्रैप द इंसेक्ट गेट इंग्लेटेड इन टू द हेयर्स द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब. तो इसमें क्या होता है ये जो पिक्चर जग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर जो लिड है ये ढक्कन की तरह वर्क करता है. जब एक बार इसमें इंसेक्ट एंटर कर जाता है तो इसके अंदर काफ़ी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में जो इंसेक्ट होता है वो स्टक हो जाता है वो फंस जाता है ट्रैप हो जाता है पूरी तरह से. और ऊपर से ये इसका जो लिड होता है जो ढक्कन होता है वो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट उसमें ट्रैप होकर रह जाता है. उसके बाद उसकी जो वॉल्स होती हैं प्लांट की उसमें से डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है निकलना स्टार्ट होता है और वो क्या करता है पूरे इंसेक्ट्स को अच्छी तरह से डाइजेस्टिव कर लेता है. इंसेक्ट्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं इन प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. ये जो प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं. तो भूजो इज़ कन्फ्यूज इफ पिक्चर प्लांट्स इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स. तो भूजो कन्फ्यूज होता है कि ये जो पिक्चर प्लांट्स हैं ये ग्रीन कलर में है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कर सकता है फिर भी ये इंसेक्ट्स को क्यों खाता है. क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस हो सकता है ये क्या होता है इसमें बेटा जो ये जो प्लांट्स होते हैं इन ये जिस सॉइल में ग्रो होते हैं वहाँ पर इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं. सभी न्यूट्रिशन जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक प्लांट को नीड होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स को प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं उस सॉइल में से. और उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. क्योंकि इंसेक्ट्स में क्या होता है नाइट्रोजन प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है और सॉइल में प्रॉपर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन नहीं होती है. तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाकर अपनी नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करते हैं. तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को नाइट्रोजन के लिए खाते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं. क्लियर. तो ये हो गए आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पैरासाइट्स हो गए. तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पैरासाइट क्या होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं. इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू स्टे कनेक्टेड. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर ऑल ऑफ़ यू.